जैसा कि आपने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में देखा कि अवि अपने भाई की वाइफ हिम्मी और उसकी बच्ची दीशु को घर ले आता है और चारू को उनका घर पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। वो कैसे भी करके उनको घर से निकालना चाहती है। क्या होगा आगे जानने के लिए देखेंगे वीडियो का सेकेंड पार्ट। जब से ये लोग आए हैं ना, इतना खर्चा हो रहा है घर में। पहले हम लोग महीने में 4 बार चले जाते थे शॉपिंग पे, पूरा महीना होने को है, एक बार भी नहीं गए, कुछ नहीं हो पा रहा अपना। मम्मा ये तो सही है, पता नहीं कब। अरे भाई जल्दी कर ले, एक तू और एक तेरी माँ इतना स्लो है, पूरे दिन पता नहीं किस में लगे रहते हैं। वो जाती है महारानी, आती ही नहीं है, पता नहीं नौकरी ढूंढने जाती है, ऐश वैश करने जाती है, घूमने फिरने कहीं। जैसे तू वैसे तेरी माँ, 3 घंटे से सिर्फ 3 कपड़े नहीं तह लग रहे हैं। एक वो महारानी सुबह से जाती है शाम को आती है, उसे कोई नौकरी मिलती है नहीं मिलती कुछ नहीं पता, बस पूरा दिन सैर सपाटे में निकल जाती है। मैडम मम्मा क्यों डांट रहे हो, बहन ही तो है मेरी। बहन तू ज्यादा ना रिश्तेदारी मत बढ़ा, तेरे पापा यहाँ लिया है तो यहीं बसा ले, कोई फायदा नहीं है इनको यहाँ रख के, उल्टा नुकसान और है। इसको घुमाना बंद कर, ये नहीं होगा तेरे से। एक कप चाय बना ला, इतना तो सिखाया ही होगा तेरी माँ ने। जाओ बढ़िया से चाय बना के ला। यार ये सर बड़ा भारी भारी लग रहा है आज, रेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा। क्या हुआ अभी, ऑफिस नहीं जा रहे आज? नहीं यार सर में दर्द हो रहा है काफी। अच्छा ठीक है, मैं कॉफी बना दूँ? हाँ बना दो। मम्मी जब आप जॉब देखने जाते हो ना तो बड़ी मम्मी मुझे बहुत डांटती है और काम भी करवाती हैं। और हम यहाँ से कब जाएंगे? बेटा अभी जॉब ढूंढ रही हूँ ना मैं, और मैं कोशिश कर रही हूँ, और यहाँ रह के आपकी पढ़ाई भी तो हो रही है ना। दिखा लिया, क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला है, बाकी दवाइयाँ दे दी। चलो मैं कुछ खाने को बना देती हूँ, फिर रेस्ट कर लो दवाई खा के। भाभी। हाँ भाभी मेरी ना जॉब लग गई है। शुक्र कर ऊपर वाले का, नौकरी तो लगी तेरी। लेकिन भाभी नाइट शिफ्ट है। तो क्या हुआ, रात हो या दिन हो, कमा तू। कैसी बात कर रहे हो सारू? नहीं नहीं नाइट शिफ्ट नहीं यार, नाइट की शिफ्ट ठीक नहीं है, वैसे भी सेफ नहीं होता। दिन में कोई जॉब लगती है तो ठीक है, और आपको जरूरत क्या है हिमांशी? मैं हूँ तो, मैं कमा रहा हूँ, रहने दो आप। कोई जरूरत नहीं यार जॉब करने की सारू, और कोई जरूरत हो तो मुझे बोल दिया करो। कोई बात नहीं, जॉब वॉब रहने दो। क्या प्रॉब्लम है, अच्छी खासी नौकरी लग तो रही है उसकी, रात हो या दिन हो पैसे तो आएंगे, चली जाने दो कमाने के लिए। नहीं नहीं चारू मैं नाइट शिफ्ट के लिए एग्री नहीं होऊंगा, सही नहीं है यार, सेफ नहीं है आजकल बिल्कुल भी। दुनिया तो कर ही रही है, इन्हीं के लिए सेफ नहीं है। वैसे दीशु डैडी की तबीयत बहुत खराब हो रही है ना, पता नहीं कब ठीक होंगे यार। दीदी आप वैसे सही कह रही हो, बड़े पापा की बहुत तबीयत खराब हो रही है। खराब तो होगी ना, तू और तेरी माँ जो यहाँ पर आ गए हैं टेंशन देने के लिए। जब से तुम्हारा साया इस घर पे पड़ा है ना, इस घर में कुछ ठीक नहीं है, इनकी तबीयत खराब तो होनी है, तेरी वजह से टेंशन जो हो रही है। यहाँ आ गए हो, पूरे घर की शांति भंग कर दी है, और तू मेरी बेटी के पास ना चिपकी मत रहा कर, उसे तो कुछ समझ आता नहीं है। तुझे तो समझ आ रहा है ना, यहाँ मत बैठा कर, निकल यहाँ से, और जल्दी उठा कर, इतना खा खा के माने कर रखा है। और तुझे कुछ अक्कल आएगी या नहीं आएगी? तुझे पता है तेरे पापा की तबीयत खराब इन्हीं की वजह से हो रखी है, वो कुछ बोलते नहीं है लेकिन उन्हें भी टेंशन है। समझ बेटा, इनसे दूरी बना के रख, अगर ये यहाँ रह गए ना तो पूरा घर ही उल्टा हो जाएगा। आज तेरे पापा बीमार हुए हैं, कल तू और मैं। नहीं मम्मा ऐसा नहीं होना चाहिए, दूर रह इनसे प्लीज। ठीक है ठीक है। हेलो मैम, एक्चुअली अभी की तबीयत ना काफ़ी ख़राब चल रही है, तो इसलिए वो अभी ऑफिस आ नहीं पा रहे हैं। हाँ मेडिसिन ले आए हैं, जल्दी ज्वाइन कर लेंगे ऑफिस। वो तो सब ठीक है, बट अगर उन्होंने जल्दी ज्वाइन नहीं करा तो हमें उनकी जगह दूसरा एम्प्लॉय रखना पड़ेगा। एक मिनट मैं हेलो। अगर अभी की जॉब चली गई तो बहुत परेशानी हो जाएगी, घर कैसे चलेगा, लास्ट मंथ भी सैलरी नहीं आई है, इस मंथ कह रहे हैं कि दूसरा एम्प्लॉय रख लेंगे, क्या होगा? भैया की तबीयत बहुत खराब है और घर के हालात भी सही नहीं है। एक काम करती हूँ, नाइट शिफ्ट ज्वाइन कर लेती हूँ। बेटा टाइम से सो जाना और एसी मत चलाना, और अपना ध्यान रखना ठीक है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ध्यान रखना तो ऐसे बोल रही है,
जैसे कहीं विलायत जा रही है और हम इसे कुछ कहते हैं। घर में ही है ये, कहीं नहीं जा रही, ऐसे ही मिलेगी शाम को। और टाइम से जा भाई, पहला ही आखिरी दिन करवा दे। मम्मी के बिना तो नींद भी नहीं आ रही, बड़े पापा हॉल में सो रहे हैं, डर भी लग रहा है मुझे, उनके पास चलती हूँ। बेटा यहाँ क्यों सो रही थी बड़े पापा के पास? मम्मी मुझे ना अंदर रूम में डर लग रहा था। चल कोई बात नहीं, मेरे साथ सो जा, मुझे भी बहुत तेज नींद आ रही है। ओ महारानी, नौकरी अपने लिए कर रही है, हमारे लिए नहीं। उठ जा, काम कौन करेगा? अपनी और अपनी लड़की के लिए कमा रही है, हमारे पे कोई हसान नहीं कर रही है। उठ के काम कर ले, बहुत पड़ा है काम। तो दीदी सुबह लेट आई ना, तो इसलिए आँख नहीं खुली, मैं अभी कर देती हूँ काम। हाँ आँख खोल और काम कर। सुन, ये बर्तन बाद में धो लियो, पहले चाय नाश्ता बना दे, ये हो जाएंगे बाद में खाने के बाद। अभी की दवाई भी खत्म हो रही है, ले आऊं क्या? पैसे भी तो नहीं है, पैसे भी नहीं है, क्या करूं, प्रॉब्लम भी बड़ी आ गई है। अरे अदिति यार, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। क्यों? मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, लास्ट मंथ भी अभी की सैलरी नहीं आई है, तबीयत खराब की वजह से कुछ जा नहीं पा रहे हैं। यार एक्चुअली ना मेरे घर में भी प्रॉब्लम चल रही है, वरना मैं तेरी हेल्प पक्का करती, अभी मेरे पास भी नहीं है, आई एम सॉरी। चल कोई नहीं, मैं देखती हूँ। भाभी आप कह रहे थे ना भैया की दवाइयाँ खत्म हो रही है, ये लो मैं ले आई। ठीक है, थैंक यू। और भाभी आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। मम्मी आपने देखा, चाची कितनी अच्छी है। अच्छी तो होगी, हम नहीं अच्छे, इतने दिन से रख भी तो रखा है। इतनी टेंशन हो रही है, पैर में भी दर्द हो रहा है। हिमांशी, ओ हिमांशी, मेरे थोड़े पैर दबा दे। ये कौन है ऐसे खटखटा रहा है? अभी घर है? हाँ जी। कहाँ है अभी? अंदर रेस्ट कर रहे हैं, उनकी तबीयत खराब है। बोलो विक्की आया है। अभी वो रेस्ट कर रहे हैं। बोलो विक्की आया है, मेरे को पैसे लेने हैं उससे। हाँ उन्होंने भैया मुझे बताया था आपके पैसे देने। क्या बताया था उन्होंने? कि आपके पैसे देने हैं। तो दो पैसे, बोल क्या रहे हो? भैया अभी हमारे साथ थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, हम दे देंगे। पैसे अभी चाहिए मैडम, जब आपसे बोला है तो पैसे दो, सीधी बात। मुझे मेरे पैसे चाहिए तो चाहिए, सराफत से मांग रहे हो सराफत से दे दो ना, और भी तरीके आते हैं मुझे निकालने के। भैया कैसे बात कर रहे हो आप? आपको तमीज नहीं है बात करने की? जब आपको बोल रहे हैं कि आपके पैसे मिल जाएंगे तो हम दे देंगे आपके पैसे, थोड़ा घर की प्रॉब्लम तो प्लीज समझो आप। ठीक है ठीक है ठीक है, 3 दिन बाद आऊंगा, मुझे मेरा पैसा चाहिए, अभी तो मैं जा रहा हूँ। भाभी आप परेशान मत हो, मैं ऑफिस में बात करती हूँ, मुझे शायद एडवांस मिल जाए तो इसके पैसे दे देंगे हम। बहुत प्रॉब्लम आ गई है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। देखो कोई बात नहीं भाभी, सब ठीक हो जाएगा। अरे चाची आप रात भर ऑफिस में काम करते हो, फिर सुबह आप किचन का काम करते हो, आप रेस्ट कर लो, मैं कर लेती हूँ काम। नहीं बेटा मैं कर लूंगी। अरे नहीं नहीं चाची, आप जाओ। हाँ मेरी लड़की यहाँ काम कर रही है तो वो महारानी कहाँ है? ओ छोटी महारानी, गला दबा दे अपनी इस माँ का, और तुझे शर्म नहीं आती? माँ मेरी लड़की से काम ले रही है, रात को अपनी कमाई का काम सिद्ध करवा के तो सुबह घर का काम उससे करवा रही है। मम्मा अब बार बार चाची को क्या बोलते रहते हो,
चाची ने मुझे काम नहीं दिया था, मैंने उनसे खुद लिया था, क्योंकि चाची रात भर ऑफिस का काम करती है फिर सुबह लेट आती है, तो मैंने कहा आप रेस्ट कर लो जाकर, मैं कर लूँगी किचन का काम। मम्मी आपको बिल्कुल नहीं दिखता, चाची मालिक कितना करती हैं। उस दिन हमारे पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे, उन्होंने पैसे दिए और दवाई ला के दी, और उस दिन वो अंकल आए थे, कितनी इंसल्ट कर रहे थे हमारी, चाची ने उनके पैसे दिए थे। और मम्मी जैसे चाची और दीशु के साथ प्रॉब्लम्स है, वो किसी के साथ भी आ सकती है, जैसे आज हमारे पे आ रखी है, प्लीज सोचो ना कुछ तो। तो सही कह रही है चेतना, मैंने बहुत गलत किया तेरी चाची के साथ, इसने बुरे वक्त में हमारा बहुत साथ दिया, माफ कर दियो मुझे। अरे नहीं भैया, तबीयत कैसी है अब आपकी? पहले से ठीक है हिमांशी। हिमांशी तुमने मेरे पीछे से घर को बहुत संभाला है, मेरी जॉब भी चली गई उसके बाद भी सब कुछ तुमने ही किया है, यहाँ तक कि मेरी मेडिसिन सब कुछ आपने ही किया है। अरे नहीं भैया, हम लोग तो फैमिली है ना, और हम लोग एक दूसरे के लिए नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आप बस अपना ध्यान रखो। अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। हेलो गाइस, कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट जरूर करके बताना, और साथ ही लाइक शेयर जरूर करना, और जो हमारे चैनल पे न्यू आए हैं वो हमारे चैनल चुलबुल वीडियोस को जरूर सब्सक्राइब कर देना गाइस, और साथ ही हमारा न्यू चैनल चुलबुल स्टोरीज भी सब्सक्राइब कर देना गाइस, तो बहुत जल्दी न्यू वीडियो आएगी, उस चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू गाइस, बाय बाय।